जैसे हम लोग सुबह उठे यार, आकर के देखे तो अचानक शॉक हो गए कि हमारे घर में चोरी हो गया कि क्या हो गया पता नहीं। देखो छप्पर में कितना बड़ा छेद हो गया है, लग रहा है कि कोई कूद गया है। आप यहाँ देखो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हो रहे हैं लगभग सुबह के 6:30 बज चुके हैं। तो यार थोड़े बहुत पत्थर मुझे इकट्ठे करने पड़ेंगे ताकि मैं खजूर गिरा सकूं। तो 5 पत्थर मैंने ले लिए हैं। तो गाइस इस पेड़ के पास तो पहुंच चुके हैं, लेकिन इस पेड़ की हालत यार बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस इस पेड़ की हालत देखो आप, कैसे हो रखे हैं पेड़। ये वाला जो पेड़ है ये कभी भी गिर सकता है, तो यहाँ रख देते हैं सारे पत्थर को। तो भाई साहब मुझे खजूर तो दिख रहे हैं यार, लेकिन पका हुआ एक भी नहीं दिख रहा है। एक दो ठो दिख रहा है पका पका, और बाकी जो भी एक दो पका हुआ है वो सारे नीचे पड़े हुए हैं। तो नीचे वाले को मैं पहले उठा लेता हूँ जो कि रात में गिर के पड़ा होगा। देखो तो यहाँ एक मुझे मिल चुका है, दूसरा यहाँ पर है। तो फिलहाल मुझे 2 खजूर मिल चुके हैं, और देखते हैं चलो पत्थर चला के कुछ गिरते हैं तो। तो लिटरली यदि सही बताऊं यार, तो इस पे एक भी खजूर पका हुआ नहीं है। मुझे जाना पड़ेगा दूसरे पेड़ के पास, लेकिन अभी टाइम नहीं है, इसे 3 खजूर से आज काम चलाएंगे। और इस पेड़ का हालत देख सकते हो कैसा हो चुका है, और ऊपर में खजूर तो लाल लाल दिख रहे हैं, बट उस पे पका हुआ खजूर एक भी नहीं है। तो चलो चलते फटाफट घर, क्योंकि धूप भी हो रहा है, और धूप होने पर अच्छा नहीं लगता है। सुबह सुबह तो अच्छा माहौल रहता है। देखेंगे शाम में दूसरे पेड़ में जाएंगे और खजूर तोड़ेंगे। तो इन सारे पत्थरों को यहीं पड़े रहने देता हूँ, ताकि जब खजूर पके तब हम आएंगे और इन पत्थरों का यूज़ करके गिराएंगे। और मैं अभी जा रहा था और मुझे एक ऐसा चीज़ देखने को मिल गया जो कि सिर्फ बरसात में ही होता है, आपको दिखाते हैं। ओ भाई साहब देखो यार कितना ज़्यादा मशरूम है। ये जो है यूजुअली बारिश में होते हैं, जब सावन भादों का महीना होता तब, बट देखो अभी उग गए हैं, क्योंकि अभी एक दो दिन पहले बारिश हुई थी ना, तो उसके कारण ये उग चुके हैं। तो खैर ये अभी सूख चुके हैं, खाने में ठीक नहीं लगेंगे, इसलिए मैं इसको बिल्कुल भी नहीं ले जाने वाला हूँ। तो गाइस फाइनली घर पहुंच चुके हैं, और मेरे घर के पीछे देखो कितना ज़्यादा झाड़ी हो गया है, क्योंकि उसके पीछे पोखर है ना, तालाब। यहाँ पर 2-3 पपीते के पेड़ हो रखे हैं, और उस पर पपीते भी आ चुके हैं। आपको हम जूम करके दिखाते हैं, देखो लगभग 10-12 पपीता इस पर आ चुका है, और इस पर भी फूल हो रहा है। तो गाइज अभी मम्मी चाय बना रही है, देखो चूल्हे पे कितना ज़्यादा आग जल रहा है, और धुआं धुआं हो रखा है, इसलिए ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि लाइट जो है रात से कटा हुआ है, लाइट नहीं है। तो फाइनली गाइज चाय बन चुका है, मम्मी ने सुबह सुबह चाय बना दिया। तो ये है मेरा, ये है अरुण का, और मम्मी कटोरी में चाय पीती है। का चीज तो गाइस फिलहाल हम जा रहे हैं पानी लाने के लिए। देखो पीछे में डब्बा टंगा हुआ है बाइक में, जा रहे हैं चापाकल। तो गाइस फिलहाल आए थे चापाकल पानी भरने के लिए बाइक में, और पीछे पानी टंगा हुआ है, देखो कड़िया में बंधा हुआ है, क्योंकि घर वाला जो चापाकल है उस पर थोड़ा मोटा पानी है, अभी आदत नहीं हुआ है नया नया में पीने का, इसलिए हम लोग दूर से ही पानी लाते हैं। जैसे पहले लाया करते थे वैसे ही लाते हैं। तो अभी तो बाइक हो गया, तो कभी कभी बाइक से भी आ जाते हैं। तो चलो फटाफट घर चलते हैं, चलो। तो गाइज ये है हमारा झारखंडी नाश्ता, मोढ़ी घुगनी चॉप, आपने एक गाना भी सुना होगा। तो गाइज अरुण और ये दोनों मिलकर के मोदी सर की मिमिक्री कर रहे हैं, बोल भाइयों बहनों। भाइयों बहनों आज रात 12 बजे से 500,000 के नोट बंद हो जाएंगे। भाइयों बहनों आइयो बहनों आज रात 12 बजे के बाद
500 और 1000 के नोट बंद हो जाए। तो दोस्तों यह है अगली सुबह, और जैसे हम लोग सुबह उठे यार आकर के देखे तो अचानक शॉक हो गए कि हमारे घर में चोरी हो गया कि क्या हो गया पता नहीं। देखो छप्पर में कितना बड़ा छेद हो गया है, लग रहा है कि कोई कूद गया है। आप यहाँ देखो, लग रहा है कि कोई कूद गया है, एकदम फाड़ करके घुस गया है। लेकिन एग्जैक्टली मुझे पता है कि क्या हुआ होगा। यहाँ से ऊपर दोनों तरफ बिल्डिंग है, ऊपर से बिल्लियाँ कूद देती हमारे चाल में, और ये जो है पूरी तरह से सड़ चुका है, लगभग बहुत कमज़ोर हो चुका है। तो जैसे ही बिल्ली कूदी होगी एकदम उस पर छेद हो गया, और बिल्ली को भी चोट लगी होगी बहुत ज़्यादा, और बिल्ली नीचे गिरी और फिर चली गई, और यहाँ पर बहुत बड़ा सा होल हो चुका है। तो अब जो है यहाँ खाना बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ चूल्हा वगैरह है तो पानी पड़ता है यहाँ पर। तो यहाँ पर चूल्हा है, यहीं हमारा खाना बनता है, एक चूल्हा इधर है एक चूल्हा इधर है, तो यहाँ से पानी गिरेगा तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर एक टीन काट करके मुझे लगाना पड़ेगा। बाय द वे इसका एक बेनिफिट ये हुआ कि लाइट जो है नहीं भी रहेगा तो खाना बन सकता है, लेकिन ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए इसको ढक देंगे अभी थोड़ा देर में। तो गाइज अभी शॉर्टकट में बिना नहाए रेडी हो चुके हैं, और अभी जा रहे हैं। बाय द वे बाइक का बैटरी खराब हो चुका है क्योंकि सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो उसको ठीक करवाएंगे। और अरुण का बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए दिए थे तो उसका पासबुक भी आ चुका है, तो उसको भी ले लेंगे। तो चलो फटाफट चलते हैं और वापस आते हैं, फिर वीडियो भी शूट करना है। आते नहीं हाँ, तो गाइस फाइनली घर पहुंच गए। देखो 1 किलो आम भी ले आए हैं, और अरुण का पासबुक फाइनली मिल गया बैंक से, बहुत मुश्किल से मिला, दे ही नहीं रहे थे वो लोग, बोल रहे थे कि 8 दिन बाद आओ, फिर रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने दिया। और इधर मम्मी देखो खाना बना रही है, और ऊपर से हमारा नेचुरल लाइट आ रहा है टूटा हुआ घर से, और इधर चढ़ा हुआ दाल, इस पे बना भात, और यहाँ पर देखो आलू बॉयल करके रखा हुआ है, और इधर पापा नाश्ता कर रहे हैं। हले आम 1 किलो 5 गो, और फाइनली हमारे घर में 2-2 डब्बा अचार हो चुका है, तो लगभग 1 साल तो चल ही जाएगा। तो लेकिन गमछी में मस्त लगा था। तो चलो फटाफट आम धोते हैं और खाते हैं। हले दो कोगो सब धो दे, कौन सी बाल्टी में, ये मग में धो ना, मग में ना आती सर। हाँ बाल्टी में डुबा के धो। हम लोग कम ही आम खरीद के लाए हैं क्योंकि डेली लगभग मिल ही जाता है क्या अरुण, हाँ। कभी इधर से कभी उधर से डेली 1 किलो 2 किलो ले ही आते हैं, इसलिए कम कम लाते हैं। हट जाएगा मस्त, ये वाला मस्त है। इधर से मस्त, ये वाला मस्त है। तो फाइनली देखो कितना प्यारा लग रहा है आम, 5 है टोटल, हम लोग तो चारों एक एक करके खाएंगे और एक रख देंगे बाद में खाने के लिए। हले बहुत ही मीठा है। तो गाइस मेरे पास भी एक है, और ये अरुण खा रहा है, काफी मीठा है, लेकिन इसका नाम क्या है नहीं पता, कौन सा इसका नाम है, काला पहाड़, नीला पहाड़, लाल पहाड़ सब। तो चलो हम भी एक आम खा लेते हैं, मस्त है, मस्त, बहुत ज्यादा मीठा है। कर में क्या चढ़ी ले भाई, कर में दाल। तो गाइस देखो डेगची में हमारा दाल बन रहा है, क्योंकि हमारे घर में कुकर नहीं है तो डेगची का ही दाल हम लोग खाते हैं, काफी मस्त लगता है। मुझे ज्यादा लेना चाहिए था लेकिन पैसे ही नहीं थे, इसलिए सिर्फ 1 किलो लेके आए, 5 पीस चढ़ा 1 किलो में।
और गाइज एक चीज हम मेला से लेके आए थे जो कि अभी तक रखा हुआ है, लगभग 2-2.5 महीने होने वाले हैं, फिर भी अभी तक इसका यूज हमने नहीं किया है, आपको दिखाते हैं। देखो डेक्ची में दाल कैसे बनाती है मम्मी, और ऊपर से सीधा रोशनी आ रहा है, अगर मैं गंदा ना घुस जाई मां। तो गाइज ये वो चीज़ है जो कि लगभग 1.5-2 महीने से रखा हुआ है, कोई यूज़ नहीं हुआ है, इसको एक जगह सेट करना पड़ेगा तभी इसका यूज़ कर पाएंगे दाल बनाने के लिए। देखो इसको जांता कहते हैं। ये क्या चीज़ लगे? परवल। तो आज बनेगा आलू और पटल का सब्जी। तो गाइस धीरे धीरे ब्लॉग बनाना सीख रहे हैं, क्योंकि अचानक कोई भी मतलब उतना प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, धीरे 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 सीखेंगे, और कुछ गलती होगा तो आप लोग बताना, हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम कि उस गलती को सुधारें, ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है रेगुलरिटी से ही आता है, तो हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि रेगुलर ब्लॉग बनाएं, और ब्लॉग में कुछ बदलाव चाहिए, कुछ गलतियाँ हो रही हैं तो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो। तो फिलहाल पसीना पसीना हो चुके हैं, अरुण अभी नहा रहा है, हम भी नहा लेते हैं। तो गाइस मस्त नहा धो के रेडी हो चुके हैं, लंच भी कर लिया है, तो दोस्तों अब हमारे चैनल पर डेली ब्लॉग आएगा, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अब पक्का डेली ब्लॉग आएगा, और लंबा लंबा ब्लॉग अपलोड करने का मैं कोशिश करूंगा। तो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को पहली बार यदि आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन बाय बाय।